मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम काठमांडू। सो गाइस, आज हमारा डे 4 इन नेपाल। आज मौसम है बारिश वाला, है जल्दी बारिश हो रही है। ये है अपना काठमांडू और यहाँ पे हो रही है हल्की हल्की बारिश। तो आज हम लोग जा रहे हैं काठमांडू से पोखरा की ओर। तो सुबह के 7 बजे हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। अप्रॉक्स 200 किलोमीटर का ट्रैवल करना है हमें यहाँ से पोखरा तक, और फिर शाम को आज पोखरा की सैर करेंगे। गाड़ी के पीछे लिखा हुआ है फिर बैठूला, यानी कि फिर मिलेंगे। तो यार फिर मिलेंगे काठमांडू, तब तक के लिए अलविदा। तो गाइस, अभी हम लोग आए थे अप्रॉक्स 15 किलोमीटर फ्रॉम काठमांडू। यहाँ पे लग गया लंबा सा ट्रैफिक। यहाँ पे लिखा हुआ है बुद्ध को देश मां शांति को खोजी, और पोस्टर लगे हुए WWE फाइटर्स के। ये क्या बात है यार, ओए छोटे, अरे गजब। नेपाल में अभी जिस जगह पे हम लोग हैं, ये इधर केलों के लिए काफी फेमस है। देखिए केले कैसे सजाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ पे लगे हुए हैं। सो गाइस, अभी हम लोग मुंगलिंग पहुंचने वाले हैं। मुंगलिंग यहाँ से करीब 4-5 किलोमीटर आगे, यानी कि काठमांडू से हम लोग करीब 100 किलोमीटर आ गए अभी। और सामने जो गेट आप देख रहे हैं, ये है मनकामना मंदिर का गेट। मनकामना मंदिर सामने वाली पहाड़ी में करीब 3 घंटे का पैदल ट्रैक करके पहाड़ी के टॉप में है। ये जो मंदिर है हिंदुओं का एक प्रसिद्ध मंदिर है। नेपाल के लोग इसे एक शक्तिपीठ की तरह मानते हैं। और ये जो केबल कार आप देख रहे हैं सामने पहाड़ी में, इसकी लंबाई करीब 3 किलोमीटर है। और केबल कार के थ्रू आप पहाड़ी के जड़ से ऊपर मंदिर तक केवल 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो यार अभी तो हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, बट नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तो ज़रूर मनोकामना मंदिर के दर्शन करेंगे। और अब ये जगह है मुंगलिंग। यहाँ पे लेफ्ट साइड से जो रोड आ रहा है, उस रोड से हम लोग आए थे काठमांडू, बट अभी राइट साइड से होते हुए हम लोग सीधे पोखरा को निकल जाएंगे। ये नीचे नदी आप देख रहे हैं, ये है त्रिशूली नदी। और अभी इस नदी के किनारे किनारे शायद हमें जाना होगा पोखरा के लिए। तो अभी लंच के लिए हम लोग रुके हुए हैं। एंड गाइस, यार नेपाल में खाना तो काफ़ी टेस्टी है ही है, उसके अलावा खाने को परोसने का जो तरीका है वो भी काफ़ी यूनिक है। तो यार सामने जो गाड़ी है हमारे, ये जा रही है चाइना। कौन से बॉर्डर से किस जगह से चाइना में एंटर करेगी ये तो नहीं पता, बट जा चाइना ही रही है। तो अगर हम लोग भी इसके पीछे पीछे चलते रहे तो हम भी चाइना पहुँच जाएंगे। तो यार यहाँ पे अभी रोड का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, 4 लेन बननी है रोड पूरी की पूरी। तो अभी थोड़ी सी कंडीशन ख़राब है रोड की, बट जो नज़ारे हैं वो काफ़ी लाजवाब। सो फाइनली हम लोग पोखरा पहुँचने वाले हैं। ये जो गेट आप देख रहे हैं, इसको क्रॉस करते हम लोग पोखरा सिटी में एंटर कर जाएंगे। तो यार ये है नेपाल का एक बहुत ही खूबसूरत और सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट पोखरा। आप देख सकते हैं आधा शहर नीचे प्लेन एरिया में बसा हुआ है और आधा शहर ऊपर पहाड़ियों में। तो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ बहुत ही प्यारा सा शहर है पोखरा। काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट नेपाल में पोखरा घूमने आते हैं। तो यहाँ पे एयरपोर्ट भी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और अभी हम लोग जा रहे हैं, हम लोग अपने होटल पे पहुँच गए। ये अपना होटल लालू पाते प्राइवेट लिमिटेड। तो ये देखिए गाइस, यार ये रिसेप्शन होटलों के ऐसा लग रहा है जैसे कोई बियर बार वगैरह हो। सो गाइस, फाइनली शाम के 6 बजे हम लोग पहुँच गए पोखरा। यहाँ पे रूम वगैरह ले लिए और अब जा रहे हैं। ये बगल में एक लेक साइड व्यू है, वहाँ पे जा रहे हैं। और ये सारे हैं पोखरा के आसपास के टूरिस्ट स्पॉट। तो चलिए अब पोखरा सिटी को एक्सप्लोर करते हैं, नाइट व्यू आपको दिखाते हैं पोखरा का। तो यार ये देखिए बहुत ही प्यारी सी मार्केट, काफ़ी रस यहाँ पे अभी शाम के 7:30 बज गए। तो देखिए काफ़ी सारे टूरिस्ट फॉरनर्स ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। सो गाइस, फाइनली पोखरा हम लोग पहुँच गए हैं। और ये जगह बहुत प्यारी है यार। मुझे लगता था नेपाल में छोटे छोटे शहर होंगे, ज़्यादातर गांव का एरिया होगा, बट आप देख सकते हैं पोखरा जो कि इंडिया के बड़े बड़े सिटी को टक्कर देता हुआ। इस साइड में शायद फूड कोर्ट है, तो पहले लेक साइड में चलते हैं और फिर यहाँ पे डिनर कर लेंगे। तो यार अभी तो लाइट की रोशनी से ये नैनीताल जैसी ही लग रही है लेक, बट सुबह पता चलेगा असली नज़ारा क्या है यहाँ का। आज को देना दे,
यहाँ पे ज़्यादातर वही रेस्टोरेंट्स, बार्स, कैफेज़ और पब वगैरह हैं, तो बेसिकली पार्टी प्लेस टाइप का ही है पूरा एरिया ये। तो यार अभी ठंड काफ़ी हो रही है अभी, तो भाई जी हमें चाय पिला रहे हैं। 20 रुपया नेपाली का यहाँ पे चाय मिल रही है। एंड गाइस यार अभी मैंने भैया से पूछा कि यहाँ पे कोई रिचार्ज वाली शॉप होगी, तो मुझे अपने नेपाली सिम जो लिए है उस पर रिचार्ज कराना था, बट भैया अभी खुद ही अपने फ़ोन से रिचार्ज कर रहे हैं। तो यार काफ़ी सही यहाँ के लोगों का नेचर, और काफ़ी सपोर्टिव नेचर के लोग हैं यार। जितने लोगों से भी हमारा इंटरेक्शन हो रहा है तो हर कोई मतलब बड़े अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, खाना बड़े प्यार से खिला रहे हैं, बहुत अच्छे से मिलना जुलना काफ़ी, मतलब मुझे लगता नहीं था कि यहाँ पे इस तरीके से मतलब इतने अच्छे तरीके से लोग हमें ट्रीट करेंगे, बट दिल खुश हो गया मतलब यहाँ के। और ये देखिए ये है नेपाल में बेसिकली पोखरा के आसपास में, आपको कोई भी ट्रैक करना हो तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अब पहुंच चुका हूं मैं अपना डिनर करने के लिए। स्कैन फॉर मेन्यू, ये सही चीज़ है। तो अभी एक बार फिर से हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है यहाँ पे, मौसम बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुहावना मौसम हो गया है, और मैं आया हूँ अपना डिनर करने के लिए यहाँ पे। अभी मैंने ऑर्डर कर लिया है, तो फिलहाल थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि अभी काफ़ी कस्टमर इनके अंदर बैठे हुए। वैसे आसपास में काफ़ी सारे होटल थे, बट वहाँ पे कई जगह बीफ वगैरह भी बन रहा था, तो मैं वहाँ से मतलब कल्टी मार ली, और यहाँ पे एक थोड़ा सा सही लग रहा था ये रेस्टोरेंट, तो यहाँ पे आ गया था। तो यार अभी अपनी नेपाली नॉन वेजिटेरियन थाली लग चुकी है, बट समझ में नहीं आ रहा इसको स्टार्ट कहाँ से किया जाए। चलिए मैं करता हूँ इसका कुछ जुगाड़, और फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।